हेलो स्टूडेंट्स, मैं ही पीयूष। और आज के इस वीडियो में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो रही है जो होगी, तो उसके लिए जो इंग्लिश में जो टेंथ का क्लास टेंथ का इंग्लिश है 100% पूरा यही आने वाला है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यही आपको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेना है दोस्तों। जो अंत समय बचा है इसी में आप मेहनत कर लीजिए। अभी तक किए नहीं किए उससे मुझे अब मतलब नहीं है, बट मैं अब जो चीज़ बता रहा हूँ इसको आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से पढ़ लेना है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन से इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर देखिए, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से ही है। तो आपको इसमें कैरेक्टर स्केच बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये है कि आपको बताना है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण देना है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे ऐसे आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के उत्तर, तो सब चीज़ें आपको मैं बताते चलूँगा। दिक्कत आपको किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास वह है कि व्हाई वॉज लेंचो सैड। तो व्हाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था, और व्हाट वॉज हिज ओनली होप। व्हाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था और व्हाट वॉज हिज ओनली होप। तो देखिए इसका हम देख लेंगे उत्तर। इसका उत्तर यही हो जाएगा कि जो लेंचो की जो फसल थी, तो लेंचोज फील्ड वॉज रूइंड, मतलब लेंचो की जो फसल थी वह खत्म हो गई थी और इसी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी था। उसकी एक ही वही इच्छा बची थी कि गॉड से उसको कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ हेल्प उसको हो जाए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हु वॉज लेंचो कौन था और वेयर डिड ही लिव। लेंचो कौन था और वह कहाँ पर रहता था, तो ये है। और व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। तो देखिए हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था, एंड व्हाट वॉज हिज मेन प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से बता देता हूँ जो कि वर्ड्स मीनिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग की क्या है, आप कैसे इसको मिलान करेंगे, किस तरीके से अब कौन से वर्ड मीनिंग रहेंगे, सारी चीज़ें आइए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वह है विस्डम। देखिए विस्डम मतलब होता है बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी का कम कर देंगे प्रूडेंस, इसकी इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगी प्रूडेंस। उसके बाद है एक्साइल मीन होता है वनवास, इसका हो जाएगा बैनिशमेंट। एक्साइल मतलब होता है वनवास, अगर ना पता हो जो राम जी गए थे 14 वर्ष का वनवास था, तो वही है, इसको बोलते हैं एक्साइल, आप जान लीजिए। फॉर सेक मतलब होता है छोड़ जाना। और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या फिर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके ना क्लियर हो रहे हो, या फिर बोर्ड एग्जाम हो, नेट या फिर जेई एग्जाम हो, तो उन सभी का सॉल्यूशन बस है फिलो ऐप। अब फिलो ऐप पर आपको 24/7 और की फैकल्टी मिलेगी और आप अपने क्वेश्चन 3 इजी स्टेप में सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले आ जाना है अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में, उसके बाद वहां पर आपको सर्च करना है फिलो ऐप, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको अपना नंबर डालकर साइन अप कर लेना है। जैसे आप उसको साइन अप करेंगे आपके सामने आ जाएगा फिलो ऐप खुलकर। अब इसमें आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही आप टाइप कर सकते हैं। फिलो जो है वह इंडिया के बेस्ट ट्यूटर से आपकी कॉन्टैक्ट
करा देगा 60 सेकंड के अंदर और आप उनसे अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं ए टू जेड। और वो लाइव कॉल पर आपके डाउट सारे क्लियर होते रहेंगे, आपको वीडियो कॉल पर आपका डाउट दिखता रहेगा, जो भी आप करेगा पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप आज ही डाउनलोड करिए फिलो ऐप। सीख मतलब छोड़ जाना, तो इसका हो जाएगा लीव अलोन, लीव अलोन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीव अलोन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, इस कंडीशन। और देखिए उसके बाद आइए हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है ट्रूली, ट्रूली, देखिए टी आर यू एल वाई, ट्रूली। तो इसका हो जाएगा ट्रूली मीन हो जाएगा इनडीड, इनडीड। उसके बाद है प्रोसीड, प्रोसीड मीन होता है आगे, प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना। देखिए प्रोसीड, प्रोसीड मीन होता है आगे बढ़ना। तो इसका हो जाएगा टू गो फॉरवर्ड। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए ये जितने चीज़ें मैंने आपको बताए आपके त्रैमासिक परीक्षा में पक्का आएगा, तो आप देख लीजिएगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर वीडियोस मिलने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करिए, और बताएं दोस्तों सभी चीज़ों की, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को जरूर से मिलते रहेंगे, और पूरे वही अब आपके बोर्ड जो त्रैमासिक परीक्षा उसमें आने वाले हैं।